नमस्कार फ्रेंड्स, आंवले का सीजन आ रखा है और हम बना रहे हैं आंवले की सब्जी। सब्जी बिल्कुल अचार स्टाइल में, जिसे आप है ना 10-15 दिन आराम से खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं आंवले की सब्जी अचार स्टाइल में। लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 किलो आंवले हैं जिनको हमने बॉयल करके और इनके बीज निकाल दिए हैं। ये देखिए, 1 किलो आंवले की हम सब्जी बनाएंगे। तेल गर्म हो रहा है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और आंवलों को ना, सारे आंवलों को हम इसमें ऑयल में छोड़ देंगे। अदरक है ग्रेट की हुई, ये अदरक डालेंगे हम और साथ ही डाल देंगे लहसुन। अदरक और लहसुन दोनों ही है ना, हमने 2-2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन ले लिया है ग्रेट किया हुआ। आंवले के साथ ही है ना इसे हम भून लेंगे। ये जो आंवले की सब्जी है ना, ये सर्दी में बहुत ही गुणकारी रहती है। फ्लेम को हम एकदम हाई पर रखेंगे, जिससे ना ये सारा लहसुन अदरक सब अच्छी तरह से भून जाए। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी की हुई सौंफ। ये देखिए, लगभग 1/2 कप सौंफ है जो हमने इसमें दरदरी की हुई डाल दी है और 1/2 कप ही राई को भी हमने दरदरा किया हुआ है। सौंफ और राई दोनों का टेस्ट इसमें सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अब ये 5 से 6 हरी मिर्ची है जो कि हमने गोल काटी है रिंग स्टाइल में, और इनको हरी मिर्च को भी हम इसमें साथ ही मिक्स कर देंगे। ये देखिए, नमक है स्वादानुसार, लाल मिर्ची है 2 टीस्पून और हल्दी है 1.5 टीस्पून। इनको भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा डाल रहे हैं हम गरम मसाला। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं अजवाइन। आंवले की सब्जी हमने बना ली। 2 दिन बाद आपको नमक यदि लगे ना थोड़ा सा कम हो गया, आप नमक इसमें और डाल सकते हैं। और मिर्ची हमेशा ही आप अपने स्वादानुसार डालेंगे हर चीज़ में। हाँ जी फ्रेंड्स, ये जो सब्जी है ना, ये ज़रूर से बनाइएगा आप। साइड डिश की तरह से, चटनी की तरह से, अचार की तरह से, किसी भी तरह से आप इसे खा सकते हैं। रोटी पराठे सबके साथ स्वाद लगेगा ये अचार या ये सब्जी। आप जब बनाएंगे ना तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। Thank you.